हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं बनाने वाली हूँ मूंगफली और तिल के लड्डू। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 300 ग्राम सफ़ेद तिल, और ये मूंगफली के दाने, और थोड़े से बादाम, और एक कटोरी गुड़। तो सबसे पहले हमें इनको हल्का हल्का भून लेना है। तो सबसे पहले मैं मूंगफली को भून लेती हूँ। हमें थोड़ा ही भूनना है इसको, इतना भूनना है कि इसका छिलका आसानी से उतर जाए। और ये देखिए, इसका छिलका उतर रहा है। अब हम मूंगफली को निकाल लेते हैं। हम तिल को हमें बहुत हल्का सा भूनना है, क्योंकि फिर ये ज़्यादा सिकने पे ये कड़वा हो जाता है। तो ये तिल का भी कलर चेंज हो चुका है, ये भी भुन चुका है। इस गैस बंद कर देंगे और इसे भी हम निकाल लेंगे। और अब बादाम को भून लेंगे। आप चाहे तो बादाम को थोड़ा सा घी डाल के भी भून सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे बिना घी के इसको भून रही हूँ। और हमें इसको हल्का सा कलर चेंज होने तक भूनना है। और ये देखिए, बादाम का कलर भी चेंज हो चुका है। मैं इसको भी निकाल लेती हूँ और इन्हें थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। उसके बाद हमें इनका बारीक, मिक्सी में बारीक पाउडर बना के तैयार करेंगे। और ये देखिए, मैंने सबको अलग अलग पीस लिया। आप चाहे तो इन सबको मिक्स करके पीस सकते हो। और हमें इन्हें बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, इतना पीसना है कि इसमें थोड़े थोड़े टुकड़े रह जाएँ, फिर खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और अब हम लड्डू बनाना शुरू करेंगे। तो उसके लिए मैंने लिया कढ़ाई। मैंने यहाँ पर 3 छोटे चम्मच घी लिया है। घी हमारा मेल्ट हो गया, मैं इसमें डालूंगी गुड़। और गुड़ हम सिर्फ मेल्ट करना है, इसकी चाशनी नहीं बनानी है। और अभी हमें गुड़ को मेल्ट होने देना है अच्छे तरीके से। गुड़ को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था ताकि जल्दी से आसानी से मेल्ट हो जाए। और ये देखिए, हमारा गुड़ भी अच्छे से पिघल चुका है। और अब मैं इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स एक एक करके डाल दूंगी। और हमें इन सबको गरम गरम ही मिलाना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये टाइट होने लग जाता है, तो उसके बाद ये मिक्स नहीं होगा। तो हमें इसको में गरम में ही इसको इन सबको अच्छे से मिक्स करना है। और गैस का फ्लेम अब हम बंद कर देंगे। इस तरीके से हमें इसको चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये 1 कटोरी तेल जो मैंने अलग से निकाल के रख लिए थे, इनको भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जब हम लड्डू बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे लगेंगे देखने में भी और खाने में भी। और हमारे साथ अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब हम इसके लड्डू बना लेंगे। लड्डू हमें गरम गरम के ही बनाने हैं, ठंडे होने के बाद इसके लड्डू नहीं बनते। तो हमें इसको अच्छे से लड्डू बनाने हैं गरम गरम में। सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा खाए जाते हैं लड्डू, और बनाना भी बहुत आसान है और खाने में बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। और ये देखिए, हमारे सारे लड्डू बन के तैयार हो चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छे लड्डू बने। देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। और बहुत ही आसानी से टूट रहे हैं, आप इनको स्टोर करके भी रख सकते हो। फ्रेंड्स, आप भी रेसिपी बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मकर संक्रांति पे लड्डू ज़रूर बना कर खाइए।